हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तस्मेनिया की बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेसेस। सो चलिए हमारे साथ और करिए एंजॉय। पहले गाना तो बनता है। तो देखिए अब आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आगे शहर के बीचों बीच एक बोटैनिक गार्डन को देखने आए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही डे वन, तो आज हमारा जो हम पहले दिन इसमें रहेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि हमने कैसा घर बुक किया है। तो इसमें क्या है, उप्स ये वाला नहीं दिखाना था, सॉरी। चलो आगे, समर आगे चलो। तो ये है वॉशरूम विच इज़ गुड, ये हमारा है बेडरूम विच इज़ नाइस। यहाँ पे हमें एक सोफ़ा लगाया हुआ है और एक छोटी सी किचन दी है हमें, जिसमें कि हम खाना खुना बनाएंगे। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा पहला दिन है और मैंने सोचा कि सुबह उठ के थोड़ी सी बाहर जाके बाहर का नज़ारा देखा जाए, क्योंकि सिटी में तो हम सुबह इस टाइम पे तो अपने कच्चे मोजे और तौलिया और ब्रश ढूंढने में निकाल देते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ का बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ हम रह रहे हैं। और इस टाइम पे टाइम 5 नहीं बजे हैं, 8, 8:30, 9 बज गए हैं एक्चुअली। थोड़ा लेट उठे क्योंकि रात को थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपनी कार जो हमने हायर करी है उसको लेने, उसके बाद हम अपनी बाकी की जगहों पर जाएँगे। तो देखो अभी यहाँ का नज़ारा जहाँ हम रुके हैं। So I'll show you now. उसके बाद तैयार होके हमने अपनी हायर कार पिक करी और फिर हम अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हुए। सो सबसे पहले हम निकले माउंट वेलिंगटन के लिए, जो कि आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, बादलों के बीचों बीच खड़ा है। तो उसे वहाँ पे जाने के लिए हमें ये ब्रिज को क्रॉस करना पड़ा, जो कि बहुत फेमस ब्रिज है होबार्ट का। होबार्ट तस्मेनिया की कैपिटल है। तस्मेनिया इज़ 26 लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। बहुत ही प्यारी जिन्होंने जगह है, जो कि हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। तो क्रॉस किया सिटी को, मेन सिटी को, सिटी के बीचों बीच निकले हैं हम माउंट विलिंगटन के लिए। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे के रास्ते और हमारा एक्सपीरियंस। तो चलो एंजॉय कीजिए। तो माउंट विलिंगटन के, जो कि सी लेवल से 1270 मीटर की ऊंचाई पर है,
इतनी हवा चलती है वहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। ये ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है चूँकि बिल्कुल शीशे लगे हुए आगे, उसके अंदर जाके ही आप मतलब अगर वहाँ का जो सीनिक व्यू है इंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज बाहर तो मतलब मैं कह रहा हूँ माड़ा मोटा बंदा तो उड़ जाए, इतनी ज़्यादा हवा है। 20 किलोमीटर दूर है सिटी, नीचे सिटी से ही ऊपर, बहुत ज़िगज़ैग रोड है और यू नो बल्कि ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आया। तो अभी आप ऊपर का ये व्यू देखिए और इन्जॉय कीजिए। पोर्ट विलिंगटन के बाद हम सीधा आए सेलामांका मार्केट, जो कि 1972 में इनॉग्रेट हुई थी और बहुत ही फेमस है। जो भी उस ओबार्ट आता है वहाँ ज़रूर जाता है, लेकिन यू नीड टू कीप इन माइंड एवरी सैटरडे ही खुलती है ये 8:30 से 3 बजे तक। 300 से ऊपर स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए, हैंडीक्राफ्ट लाइक यू नो कपड़े, हैट्स, ज्वेलरी, वुडन थिंग्स और यू नो खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हनी, इनफैक्ट जिन और वाइन सैम्पलिंग भी है वहाँ पे। तो बहुत मज़ा आया इस मार्केट में, इनफैक्ट हम 2 बार गए वहाँ पे। हेलो दोस्तों, इस टाइम शाम के 3 बज गए हैं और हम हैं एक म्यूज़ियम में जिसका नाम है मोआना, जो कि शहर से 20 मिनट की दूरी पे है। ये म्यूज़ियम महाराणा प्रताप ने बनाया था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं। सो देखिए, आपको दिखाते हैं इसका नज़ारा कैसा है ये म्यूज़ियम। तो अभी तो जस्ट एंटर कर रहे हैं हम।
अभी अभी मोआना का जो एक म्यूज़ियम देखा, जो कि लगभग तस्मेनिया सिटी से 20 मिनट की दूरी पे है। मेरे हिसाब से जो भी यहाँ आता है उसे ये ज़रूर देखना चाहिए, इस वर्थ वॉचिंग, क्योंकि कला भर भर के अंदर इस म्यूज़ियम में रखी गई है। जो आप उसको देखोगे तो आप बहुत उसको क्या कहते हैं इन्जॉय करोगे। हमने बहुत इन्जॉय किया और ये आज हमारा पहला दिन था, पहला एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या है। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आज हमारा दूसरा दिन है तस्मेनिया में और हम सिटी से सुबह सुबह कोई आधे घंटे की ड्राइव पे एक नई जगह आए हैं जिसको कहते हैं ब्रूनी आइलैंड। यहाँ पे एक फेरी जाती है तो अभी हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं, जाके हम जो हमने अभी टिकट लिया है तो फेरी से हम उधर जाएंगे उस टापू पे जो कि 1842 में खोजा गया था, लभ्या गया था और ढूंढा गया था। तो अभी वहाँ पे हम जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या यू नो देखने के लिए चीज़ें हैं। और मैंने पता लगाया है कि कम से कम 800 लोग वहाँ पे अभी भी रहते हैं और कम से कम 1.5 लाख विजिटर्स हर साल उस आइलैंड पे जाते हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है मैंने सुना है। तो हम आज जाएंगे और देखेंगे वहाँ के नज़ारे और आपको भी दिखाएंगे। सो कीप स्टे ट्यून। पोर्ट ब्रूनी के बाद हम गए हुबार्ट सिटी अपने लंच के लिए, तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा आपको सिटी के दर्शन भी करा दें। पब्लिक हॉलीडे था इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो इट वाज अ गुड फन, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था रॉयल तस्मेनियन बोटैनिकल गार्डन। तो अभी अभी हम खाना खा के ये बोटैनिकल गार्डन में आए हैं जो कि बिल्कुल सिटी के बीचों बीच है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको ये कैसा है और बहुत लोगों ने कहा इट्स वेरी फेमस, सो लेट्स सी how it looks like. Let's go. Come on. Thank you.
सो अगली सुबह हम तैयार होके खुफिया रास्ते से निकले पोर्ट ऑथर, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है पोर्ट ऑथर से 12 किलोमीटर पहले एक जगह है कॉल्ड रिमार्केबल केव्स, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। हम वहाँ गए, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है बट जिस तरह से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इट्स वेरी सेफ गोइंग देयर एंड इट्स वर्थ वॉचिंग एज वेल। चलो आपको भी दिखाते हैं। अभी हम होबार्ट सिटी से 1.5 घंटे की दूरी पे एक आए हैं ये केव देखने, और मैंने पता लगाया ये इतनी स्पेशल क्यों है क्योंकि अगर इसके जो एंड में अगर आप देखोगे वो अगर जिस तरीके से आप देखोगे तो वो एक तस्मेनिया का मैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप देखोगे इतनी मस्त जगह है ये, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मैं कैमरा में, मेरा नाम दीपक बाबा, कैमरामैन रजनी के साथ आज पक। ऑथर एक हिस्टोरिकल साइट, 2010 में ये एज ए वर्ल्ड हिस्टोरिकल साइट में लिस्टेड हुई हैं जिसमें कि 11 साइट हैं बिल्कुल आसपास। हर साल यहाँ पे 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं इसको देखने के लिए। इसके अंदर आपको मिलेंगे यू नो जेल मिलेगी, प्रिजनर्स पुराने प्रिजनर्स कैसे रहते थे, मेंटल असाइलम, मेडिकल ऑफिस, चर्च, कुछ छोटे छोटे घर, पुराने लोग कैसे। ये देखो ये एक छोटी सी जेल, ये जेल है और यहाँ मैंने पढ़ा था एक फ़ोटो में लिखा था ये कि वो बंदा 12 साल इस जेल में रहा। सो इस छोटे से कमरों में वो लोग रहते थे, यहाँ वो पढ़ाई करते थे, उनका आउटडोर एरिया था। तो ये सारी साइटें इन्हीं 11 इस छोटी सी लोकेशन के अंदर, और सामने एक पोर्ट भी है जो अभी हम अब आके आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं। अभी हम इस कैफे में बैठे हैं यहाँ पे पोर्ट ऑथर, अभी हम अंदर एक खुफिया आपको गैलरी में लेके जाएंगे जहाँ पे कि पुराने कैदियों की फ़ोटोज़ और उनके उस टाइम की कुछ चीज़ें अंदर रखी हुई हैं वो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये सब कैदियों की पिक्चर्स थी जो कि बिना स्नैपचैट फिल्टर्स के उनका फ़ोटो सेशन हुआ है और इतनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ खिंचवाई है उन्होंने उस टाइम पे। मज़े की बात ये थी हर फोटो के नीचे उनके क्राइम भी लिखे हुए थे और कुछ क्राइम तो बिल्कुल ही यू नो छोटे थे और उनके लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी सज़ा मिली हुई थी, और कुछ जो क्रिमिनल्स थे वो बहुत ही ख़तरनाक थे और उनकी फ़ोटोज़ भी थी, उनके बारे में पढ़ के भी बहुत मज़ा आया, लाइक दिस वन। उस टाइम की कोर्ट जहाँ पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती होगी, तो उसका नज़ारा लो।
अब हम पोर्ट ऑथर से जा रहे हैं सीधा कोल्स बे, और बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है 2-2.5 घंटे का, और पिछले 45 मिनट से कच्चा रास्ता है, बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए, और बिल्कुल जंगलों में से गांव-गांव से निकलते हुए जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं कि कैसे रास्ते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। रात को लेट आए थे इसलिए सुबह बना रहे हैं वीडियो अकोमोडेशन की। अभी हम निकले हैं कोल्स बे से हनीमून बे। समर क्या कह रहा है बे, पता नहीं इतना बे क्यों हो रहा है बे। चलो अब देखते हैं आगे कैसा रहेगा और आपको रास्ता दिखाते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है हनीमून बे, उसके बाद जाएंगे हम दोबारा से कोल्स बे और देखते हैं ये क्या आज का दिन कैसा होगा। अभी जय माता दी। वाइन ग्लास बे की ट्रैकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप उस महीने जा रहे हो। 6-7 घंटे की ट्रैकिंग है और जिसके लिए 2 रास्ते हैं, 1 3 घंटे का और 1.5 घंटे का। आई थिंक हमने 1.5 घंटे वाला ही चूज़ किया, और जो कि समर लीड कर रहा था, देखो कैसे भाग रहा है आगे। कपल ऑफ थिंग्स, पार्किंग में ही टॉयलेट और पानी है, और रास्ते में कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी बॉटल्स और रिफ्रेशिंग थिंग्स साथ लेके जाएं। और हमें तो बहुत मज़ा आया, अगर आप ऐसे ट्रैकिंग करोगे ऐसा लगेगा जैसे कोई पीर बाबा की दरगाह पे जा रहे हो या फिर किसी मंदिर में माथा टेकने जा रहे हो, लेकिन वैसा था नहीं। लेकिन
हमें पूरी फीलिंग वैसी आई और हमने वैसे ही ट्रैकिंग करी, उसी श्रद्धा के साथ ट्रैकिंग करी और किस तरह हमने ये जो ट्रैक इन्जॉय किया है, ऑल्दो मतलब वेरी एग्जॉस्टिंग था लेकिन इट्स वर्थ डूइंग इट। 4-5 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, नेचर के साथ, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो इन्जॉय कीजिए हमारा ये ट्रैक और ऊपर का सीनिक व्यू जो कि सुपर क्लियर है, बिल्कुल साफ पानी, नीला आसमान और वेरी ब्यूटीफुल। हेलो दोस्तों, सो आज अभी सुबह सुबह उठे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है बाहर। मैं भी आपको थोड़ा सा उसका नज़ारा भी दिखाता हूँ। so, कल रात को थोड़ा थक गए थे तो घर पे ही खाना बनाया, वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। फिर मूवी देखी और सो गए चुपचाप। इनफैक्ट हम गए थे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे पहले तो मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊँ। फिर गए थे उस स्विमिंग पूल में अब हिम्मत चढ़ा के, लेकिन पानी ठंडा था, उसी हिम्मत को नीचे नहीं उतार पाए तो वापस आ गए। देखो कितना बढ़िया कुदरत के रंग, देखो किस तरह वो आसमान समंदर से कुछ कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। तो अभी ठीक, अभी जैसे सूरज निकलते ही हम तस्मेनिया की दूसरी साइड निकलेंगे। सॉरी, सूरज तो पहले ही निकल गया। आई वुड से ठीक 9 बजे हम क्योंकि हम एक किनारे पे हैं तस्मेनिया के, अब हम मिडिल में जाएंगे, वहाँ के लिए रवाना होंगे ठीक 9 बजे और वहाँ पे कुछ नज़ारे देखेंगे, कुछ फेमस प्लेसेस देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो चलिए देखते हैं तस्मेनिया का मिडिल पार्ट कैसा है और कितना ब्यूटीफुल है। हम इतने ऊपर थे कि आप सामने वो देख सकते हैं कि पहाड़ और वो बादल सामने, वो देखिए, उप्स गिर गया। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कि जो पहाड़ों में चढ़े थे, इन पहाड़ों को देख के आज ऐसा लग रहा है कि किस तरह दशरथ मांझी ने जो 12 साल लगा के
पहाड़ थोड़ा था, इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क डूइंग इट। तो मेरी सजेशन यह है कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो प्लीज़ ट्रैकिंग शूज़ डाल के आए ढंग के, क्योंकि ये जो पत्थर हैं बहुत ही ज़्यादा नुकीले हैं और छोटे छोटे हैं। इनफैक्ट अगर आप बेबी के साथ आते हो या बच्चे के साथ आते हो तो प्लीज़ उनको ढंग से कैरी करें, क्योंकि अभी मैं 5 किलोमीटर ऊपर समर को लेके गया और अब रजनी वापस लेके जा रही है। इट वॉज़ नॉट ईजी टास्क पर मज़ा आया, इट वॉज फन। पीछे दे, अब मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ तो किस तरह ये पत्थर हैं, हर पत्थर ही पत्थर हैं हर जगह। और देखो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है हम इस टाइम पे और अब वापस नीचे जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया इन पहाड़ी रास्तों में, बिल्कुल वर्थ वॉचिंग है देखना। अरे मेरा कैमरा कहाँ भाग रहा है, वो देखिए ऊपर वाले, हम वो ऊपर वहाँ जाकर आए हैं अभी और वहाँ का हमने नज़ारा देखा, इंजॉय किया व्यू जो कि बिल्कुल ही आई वुड से माइंड ब्लोइंग था। मन मतलब पीसफुल ही था, बहुत पीसफुल। पूरा दिन की हाइकिंग करने के बाद थक गए थे इसलिए हम लॉन्केस्टन के एक्वेटिक सेंटर में आए जहाँ पे हम मछली जिल की रानी बने और थोड़ा सा रिलैक्स किया। सो ये है हमारी मिडल ऑफ नो वेयर अकोमोडेशन जो बिल्कुल एक पहाड़ पे, आई थिंक मेन रोड से हम आए हैं कम से कम 20 से 25 मिनट की ड्राइव करके और फिर बिल्कुल मिडल ऑफ नो वेयर ये एक फार्मर का कॉटेज था जो कि अकेला कॉटेज है, वहाँ पे हम रहे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वुड फायर किया और एक लकड़ी का छोटा सा घर था, अच्छा था। बेडरूम और बाहर का आपको दिखाता हूँ कि सीन व्यू क्या था। ये जो ये देखिए पहाड़, बहुत सारी शीप्स थी आसपास। इस प्यार की देरी नजर ना दे, ओ कैमरा ऑन है। हाय दोस्तों, तो अभी हम रात को लिक्विस्टन पहुँचे। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरी इतनी सुरीली आवाज़ सुनी। यूजुअली मैं लोगों को ऐसा गाना सुनाने के पैसे देता हूँ, लेता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज़ कैसी है। एनीवेज तो रात को हम लेट पहुँचे, हमने एक्वेटिक सेंटर में बहुत 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 मज़े किए, बहुत रिलैक्सिंग था खासकर जो स्पा था वहाँ का। और ये जो जहाँ पे हम रात को रुके ये यहाँ सिटी से अराउंड 30 मिनट्स की दूरी पे है और बहुत शांत और अकेला कॉटेज है। अगर आप देखोगे वो रहा पीछे कहाँ गया, वो वहाँ पे हम रात को रुके। बहुत डर लगा रात को क्योंकि बहुत जंगली जानवर जो कि मैंने पता लगाया इतने डेंजरस नहीं थे, हमारी छत के उसके घर कॉटेज के ऊपर चढ़ रहे थे रात को तो आवाज़ें आ रही थी तो मुझे तो नींद भी नहीं आई। मैं एक्चुअली डरता रहा और उसके बाद रजनी और समर तो अपना घोड़े क्या गाय बैल सब बिल्ली सब बेच के आराम से सोए हुए थे। अभी सुबह उठे हैं, चाय पिए और बाहर निकले हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी आप पीछे देखो खाली बिल्कुल मिडल ऑफ नोवेयर, क्या ब्यूटीफुल वेदर है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि जंगल पूरे पहाड़ में एक अकेली सी जगह में रहे हम रात को, तो यूजुअली ऐसा एक्सपीरियंस मिलता नहीं तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे रहने का। तो अगर कोई लिक्विस्टन आ रहा है तो ज़रूर सिटी से थोड़ा सा
दूर अपनी अकोमोडेशन ले। बहुत अच्छी प्यारी सिटी है। तो अभी हम थोड़ा पहाड़ पे जा रहे हैं वॉक करने, कुछ आगे एक शीप्स हैं तो मैं जाके समर को शीप्स दिखाना चाहता हूँ इसलिए। और अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोग्राम। थैंक यू। आई एम बैक। सो अभी हम पहुंच गए हैं हमारी अभी चौथी अकोमोडेशन पे। तो आज हम थोड़ा जल्दी आ गए, हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे अकोमोडेशन, एंड देन वी कैन गो फ्रॉम देयर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आए हैं कर्डल माउंटेन्स जो कि एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे हम अभी 5 और 6 घंटे की नहीं, आई थिंक 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे। मेरे पीछे ये विजिटर सेंटर है जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करी है, और अब हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा ट्रैकिंग का, तो सारे रास्ते की वीडियोज़ और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्रिडल माउंटेन की जो ये ट्रैक है, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक में से एक माना जाता है। आई वुड से एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी आप यहाँ पे देखोगे, बहुत सारे जॉ ड्रॉपिंग व्यूज़ आपको दिखने को मिलेंगे। हर एक जगह, हर एक कदम आप जब रखोगे यहाँ पे, आप किसी और ही दुनिया में पहुँच जाओगे। लॉन्केस्टन से 120 किलोमीटर, हॉबार्ट से 330 किलोमीटर की दूरी पे है ये। एक दिन में आराम से ड्राइव करके यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन यहाँ आना बहुत बहुत मस्ट है। अगर आप तस्मानिया घूमने आ रहे हो तो ज़रूर आइए। जैसे वो एक एड आती थी कि इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, और उससे अगर यहाँ नहीं आए, यहाँ ज़रूर आओ तो लाइव झींगा लाला। हेलो दोस्तों, इस टाइम पे हम हैं डोव लेक के पास, और हम उसके सर्किट की तरफ वॉक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कर्डल माउंटेंस के विजिटर सेंटर पे जाके रजिस्टर किया, वहाँ से टिकट लेके हम यहाँ पहुँचे। बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी अभी तक की। और विजिटर सेंटर से डोव लेक का एरिया है 8 और 9 घंटे का, 3 घंटे की वॉक है। सो द मुश्किल जो वाला रास्ता है, या तो आप बस में आ जाओ
जो कि 15 मिनट बस लेके आती है, हर 15 मिनट के पास बस जाती है, जो कि मुश्किल वाला है और आसान वाला है कि 3-3.5 घंटे की वॉक। तो हमने मुश्किल वाला चूज़ किया और जो कि बस का रास्ता था, 15 मिनट बस में बैठना कितना मुश्किल है, 3 घंटे वॉक आसान है, लेकिन हमने फिर भी बस वाला किया और अब हम ये वॉक कर रहे हैं डव लेक की, जो कि आई थिंक 2-3 घंटे की है और यहाँ पे अमेजिंग व्यूज हैं और व्हाट अ मैजेस्टिक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा अभी तक का ये। कुछ बातें, अगर यहाँ आ रहे हो तो रेनकोट ज़रूर लेके आए, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, और जूते भी अच्छे भरे पहन के आए, बूट पहन के आए। तो देखिए नज़ारे, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हमारे 8 दिन के एक्सपीरियंस को हमने 40 मिनट में डाला है, सो दैट कि और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई फजूल की चीज़ ना डालें, सो दैट हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो इसको देख के और वो भी अपना नेक्स्ट ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाएँ। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्यार दें, और अगर अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ गुस्से से सब्सक्राइब कर डालिए और गुस्से से 3-4 लोगों को शेयर भी कर दीजिए।